प्रश्नावली एक का छठवां प्रश्न। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक शाखा में इंडिया की एक शाखा में 100 रुपया प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत, मतलब कि दर पूछ रहे हैं ना, कितने प्रतिशत दर से वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे, दर मतलब रेट आर, 222 रुपये ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट आई बराबर दे दिया हुआ है 222 रुपये, मूलधन 100 रुपया, है ना, पी इज इक्वल टू, और समय टी इज इक्वल टू है 3 वर्ष। दर पूछा है, आर इज इक्वल टू है प्रश्न, कितना प्रतिशत दर लगाया होगा कि उसको ब्याज 222 रुपये मिला। ये हमारा प्रश्न है, छठवां प्रश्न। पी इज इक्वल टू है 100 रुपये प्रति माह, समय दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 3 वर्ष, प्रति माह 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो किस्त कितने हो जाएंगे 3 वर्ष में, 1 वर्ष में 12 माह, तो 3 वर्ष में कितना माह प्रति माह निकालना है, तो 12 तिया 36 किस्त लिख सकते या फिर माह लिख सकते, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, ब्याज 222 रुपये, पूछा क्या है रेट, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सूत्र क्या होता है, आई इज इक्वल टू मतलब कि ब्याज बराबर, सेम सूत्र में ही रख के बनाना है, से ब्याज बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन एन माई एन प्लस 1 अपॉन 24, ये सूत्र होता है। आई का मान दिया हुआ है 222 बराबर पी का मान 100 गुणित आर का मान ज्ञात करना है, आर अपॉन 100 इंटू एन का मान क्या दिया हुआ है, थर्टी सिक्स, 36 प्लस 1 अपॉन 24, 100 ना, 100 100 कैंसिल, बचा क्या आर, यहाँ पे क्या है 222, है ना। अब 12 12 2 24, 12 3 36 गुणित 3 गुणित 36 और 1 37/2, ये बचा। अब 3 गुणित 37/2 को इस तरफ लेके जाना है, या फिर हाँ आर इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा फिर 222 इंटू 2 ऊपर चल जाएगा, 3 इंटू 37 नीचे, 2 अपॉन 3 इंटू 37, ये तिरिया गुणा हुआ तो 222 के साथ इंटू हुआ 2 का, तो मतलब 222 के साथ गुणा हुआ 2 का, और 3 3 गुणित 37 क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब जो कटेगा उसको काटना है, दो सौ बाईस गुणित 2/3 7 21 की एक हासिल में आई 2, 3 3 9 9 10 11, 111, 111 एकम 111, 111 दूनी 222, ये आया आर, आर इज इक्वल टू 2 दूनी 4, अतः 4% दर निकला, दर आर बराबर क्या निकला 4%। अतः बैंक क्या है प्रश्न है, बैंक रजत को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज देगा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से रजत को
बैंक 222 रुपये ब्याज देगा। आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते इसके बाद सातवां प्रश्न। किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में, अब आ रहा है सावधि जमा खाता का प्रश्न। सावधि जमा के एक मुश्त रुपये कितना, 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए जमा किया, समय अवधि क्या था उसका, क्या समय वो तय किया एक वर्ष के लिए, और मूल्य था 20,000 रुपये, और 16% वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, मतलब एक साल में 16% लग रहा है और समय भी एक वर्ष है ठीक है, के लिए जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ब्याज को हर 3 महीने में लगाया जाता है, अब पूरे साल में 16% ही लगेगा ना, लेकिन ब्याज को हर 3 महीने में लगाया जा रहा है, तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सातवां प्रश्न। पी इज इक्वल टू मूलधन है 20,000 रुपये, टी इज इक्वल टू समय दिया हुआ है एक वर्ष है ना, और क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 16%, मतलब आर का मान है 16%। एन का मान क्या होगा, कितनी किस्त, 3 माही हो रहा है ना, मतलब ब्याज संयोजित कितना में हो रहा है, 3 माही, तो एक वर्ष है समय, एक वर्ष में कितने 3 माही होंगे, एक वर्ष में कितने 3 माही होंगे, एक वर्ष में 12 माह होते हैं ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 3 माही निकालना है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। अब इसका भी 100% दर का भी 3 माही करना है ना, पूरे एक वर्ष में 16% ब्याज लग रहा है, और एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं, तो एक एक चार चार एक एक तिमाही में कितने कितने प्रतिशत ब्याज लगेंगे वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4%, तो दर भी हो गया, 4%, और ये जितना ब्याज संयोजित किया जा रहा है वो हो गया, एन का मान कितना बार संयोजित किया जा रहा है, तिमाही में, तो एक वर्ष में कितना तिमाही हो गए, 4 तिमाही। अब निकालना है क्या, मिश्रधन बैंक द्वारा अंत में उस व्यक्ति को मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू 1+P × P × 1+ आर अपॉन 100 to the power n, मिश्रधन निकालने का ये सूत्र है। ए इज इक्वल टू ये प्रश्न था, क्या निकालना था, ए इज इक्वल टू मिश्रधन कितना मिलेगा उसे लास्ट में, तो पी का मान दिया हुआ है 20,000 रुपये, 1+R है 4 है ना, तिमाही हो रहा है तो 4 तिमाही, 4% एक तिमाही में, और बटे 100, और कितने तिमाही है, 4 तिमाही ठीक है, तो n का मान हो गया 4। a इज इक्वल टू 20,000, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 बचा 4 5 6 20, 1 धन 1/25 to the power 4। a इज इक्वल टू 20,000 × 1+1/25 मीन्स 26/25 to the power
फोर है ना, 25 और 1 26 बटे 25, ये आ गया ए इज इक्वल टू 20,000 गुणित 26 बटे 25 धन, इधर नहीं गुणा, गुणा हो रहा है ना 4 बार, 2D पावर 4 है मतलब 4 बार गुणा होगा, 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25 गुणित 26 बटे 25। अब काट के देखते हैं, 5 5 6 25, 5 4 20, 0 0 0 है ना, और 5 1 5, 5 8 40, 0 0, 5 5 6 25, 5 1 5, 3 बचा, 5 31, 0, 5 1 5, 5 3 15, 1 बचा, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 3 बचा, 5 6 30 और 0, 5 2 10, ऊपर में क्या बचा, 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, 26 8 है बचा हुआ है ना, बटे 2 25 बचा है नीचे में, 25 गुणित 25, और जो गुणा करना है 32 से 26 26 26 26 को, और भाग कर देना है किसे, 25 गुणित 25 से, 25 25 625 से, अलग अलग भी कर सकते हैं, 32 गुणित 26 बटे 25 और गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 बटे 25, तो इन दोनों को गुणा करके 25 से भाग कर लेते हैं, फिर इन तीनों को गुणा करके फिर 25 से भाग करके फिर जो आएगा उसको एक दूसरे से गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ सकता है। ठीक है, 32 गुणित 25 कर लेते, 26 कर लेते हैं पहले, तो 6 2 12 की 2 हासिल में आ गया, 1 6 3 18 18, 1 19, 2 2 4, 3 2 6, 2 9 10 11 12 13 की 3 हासिल में, 1 6 1 7 1 8, 832। बटे 25 गुणित 26 गुड़ी 26, 6 6 36 की 6 8 में 3, 6 2 12, 13 14 15, 6 2 12 के 2 हासिल में, 1 2 2 4 1 5, 6 7 6, 676, 676 में फिर 26 का गुड़ा, 6 6 36 की 6 8 में 3, 6 7 6 36, 6 7 42 42, 43 44 45 की 5 हासिल में, 4 6 6 36 36 4 40, 6 2 12 के 2 हासिल में, 1 7 2 14, 1 15 की 5 हासिल में, 1 6 2 12, 1 13, 6 5 6 7 5 4 3 7 और 1, 17,576, 17,576। अब अलग अलग से भाग कर देंगे 25 25 से, 625 से एक साथ भाग करने पे
मुश्किल ज्यादा, क्योंकि वो 625 बड़ा नंबर है ना। अब छोटे छोटे नंबर को हम भाग किया जा सकता है आसानी से। 25 को भाग करना है 832 से, कितना आएगा? 25 से कम 25, 25 दिन 50, 25 तिया 75 है ना। 13 में 5 गया तो 8, 2, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ज़्यादा हो जाता है, 3 नहीं 2। ये 7 हो गया, 25 तिया 75, 12 में 5 गया तो 7, 0.25। 25 दिन 50, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 दिन 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 2 0, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 33.28 क्या आया इसको भाग करने पे? 33.28 गुणित। अब 25 को भाग करना है 17,576 से। 50 25 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175, 25 सत्ते 7, 25 0 0 7, 6 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 1.0, 25 0 0, 25 कम 25, 25 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो 703.04, 703.04। ये आया, अभी दोनों को एक दूसरे से गुणा करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। 703.04 गुणित 33.28। चार संख्या के बाद दशमलव लगाना, ठीक है? तो 8 चौक 32 की 2 हासिल में आ गए, 3, 8 0 0, 3 की 3, 8 तिया 8 16 24, 8 32, 24 की 4 हासिल में आ गया, 2, 8 0 0, 2 की 2, 8 सत्ते 8 में 40, 8 6 27, 7 सत्ते 56, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 सत्ते 14, 3 चौक 12 के 2 हासिल में आए, 3 0 0, 1 ही 1, 3 दिया 9, 3 0 0, 3 सत्ते 21, 3 से गुणा करना है, क्या आएगा? 3 चौक 12 के 2 हासिल में 1, 3 0 0, 1 ही 1, 3 दिया 9, 3 0 0, 3 सत्ते 21, 2 8 9 10 11 की 1 हासिल में 1, 4 5 6 1 7, 6 7 8 9 10 11
कि एक हासिल में आ गया, एक छः, एक सात, एक आठ, 8 16, 1 17 की 7 हासिल में आ गया, एक 5 1 छः, 6 4 10, 10 और 9 19 की 9 हासिल में आ गया, एक 3 2 और 1 3 2। अब 1 2 3 4 चार संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 4 23,397 दशमलव 1 7 रुपये, 1 7 1 2 है ना, 23,397 दशमलव 1 7 1 2 रुपये मिलेगा। किसान को इलाहाबाद बैंक से में सावधि जमा कितना रुपये, तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इन दोनों को गुणा करने पे इतना आया है ना, यही आंसर है। अतः परिपक्वता के पश्चात किसान को 23,397 दशमलव 1 7 1 2 रुपये प्राप्त होगी। आंसर, इसमें गुणा एकदम लंबा चौड़ा करना पड़ता है, लेकिन आंसर गुणा करने के बाद आता है और यही आंसर आएगा है ना, जो गुणा करने के बाद लास्ट में प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। सावधि जमा खाते का बनाने का यही तरीका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आठवां है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए, 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 साल के लिए 8% वार्षिक, एक साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता जमा करता है, सावधि जमा खाते में जमा करता है, ठीक है। तो यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, 3 महीने में जब ब्याज लगता है तो परिपक्वता तिथि पर मतलब दिए हुए समय पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सेम टू सेम प्रश्न है आठवां, पी इज इक्वल टू है 1 लाख रुपये, ठीक है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह, दर दिया हुआ है 8% और एन कितने समय के लिए क्या है संयोजित किया जाता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, क्या होता है तिमाही संयोजित होता है, समय है 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही है ना, धन 6 माह में कितने तिमाही, 6 महीना है, उसमें 3 माही कितने होंगे, 2 तिमाही, 2 तिमाही मिलकर ही तो 6 माह होगा है ना, 2 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 तिमाही, 4 और 2 6 तिमाही, एन का मान कितना हो गया 6 तिमाही, मतलब 1 वर्ष 6 माह में कितने तिमाही होंगे, 6 तिमाही होंगे, क्योंकि गणना किस में हो रही है, 6 तिमाही में हो रही है ना। अब रेट भी क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में जब 8% है तो एक तिमाही में कितना प्रतिशत होगा, 1 साल में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही, तो 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2%, 1 तिमाही में कितना प्रतिशत होगा, 2%, 8 को 4 बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि 1 साल में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही, और 8% किस में लगा है, 1 वर्ष में लगा है ब्याज है ना, इस वजह से। अब हमें निकालना है मिश्र धन, ए इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, पी इंटू 1+R/100⁻¹, ये होता है सूत्र, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100⁻¹। ए का मान निकालना है मिश्र धन, पी का मान दिया हुआ है 1 लाख रुपए है ना, 1+R है 2%, 100 2^n का मान है 6 तिमाही है ना, ए इज इक्वल टू
1 लाख, 1 प्लस 2 कम 2, 2 पंचे 10, 0, है ना। तो 1/50 to the power 6 ए इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस 1/50 मतलब कि 51, 1 50 प्लस 1 मतलब 51/50 to the power 6, मतलब 51/50 का 6 बार गुणा करना है। गुणित 51/50, 51/50, 51/50, 3 हो गया, 4, 5, 6, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऊपर नीचे कट रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब बचा क्या, ए इज इक्वल टू 51 × 51 × 51 × 51 × 51 1 2 3 4 5 6 बटे बचा क्या है, 5 × 5 × 5 × 1 2 3 4 5 5 × 5 × 5 × 10, 5 × 10, 10 × 10 = 50 होता है, तो 5 करने के लिए 10 से गुणा कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब गुणा करते जाना है सेम टू सेम, सबको अलग अलग से कर लेते हैं, 51/5 51/5 × 1 2 3 4 5 51/10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 upon 5 × 10, ठीक है। 5 × 10 = 50 होता है, 50 है, और एक के नीचे में सबके 51/5 तो है ही, ठीक है। अब सबका अलग अलग से भाग कर देते हैं, जो आएगा उसको एक दूसरे से गुणा कर देंगे, पहले एक ही में हमें पता चल जाएगा कितना आएगा, 5, 5, 5 × 5 1.1 मिनट, क्या है भाग करने पे, 5 × 51, 5 × 5, 1, 0 आया, ये 1 उतरा, 5 × 0 = 1.05, 5 × 10 10.2, सभी में आएगा, ए इज इक्वल टू 10.2 × 10.2 × 1 2 3 4 5 10.2 × 10.2 × 10.2 5 हो गया। अब 51/5 करने पे तो 10.2 आ रहा है, एक काम करते हैं 50 से ही भाग कर देते हैं 51 को, है ना, 50 × 1 = 50 एक बचा, 10.2 लगा देते हैं, 0, 50 × 0 = 0, 50 × 100 1.02 1.02 अब सबको आपस में गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा।
10.2 गुणित 10.2, इन सब को आपस में गुणा करने पे क्या मिलता है? दस दशमलव दो गुणित 10.2, दो दूनी 4, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 0 0 0, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 1, 4 × 0 = 2, 2 × 4 = 1, 1 × 1 = 2, 104.04। इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया? 104.04। ये दोनों को भी आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 104.04। अब इन दोनों को आपस में गुणा करके देखते हैं, 10.02 से 1.02 को। है ना? तो क्या आएगा? 104.04 आएगा। 1, 2, 3 संख्या के बाद लगाना है, तो 1, 2, 3, 10.404 आएगा, 10.404। अब गुणा करना है तो इन सबको आपस में गुणा करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। 104.04 गुणित 104.04, 4 × 16 = 6 हासिल में 1, 4 × 0 = 0, 1 की 1, 4 × 16 = 6 हासिल में 1, 4 × 0 = 0, 1 की 1, 4 × 1 = 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 × 16 वही 6 होगा, 6, 1, 6, 1, 4, 4 × 16 = 6 हासिल में 1, 4 × 0 = 0, 1 की 1, 4 × 16 = 6 हासिल में 1, 4 × 0 = 0, 1 की 1, 4 × 1 = 4। छ, एक, छ, एक और 4। पांच बार 1, 2, 3, 4, 5। चार जीरो, 4, 0, 1, 6, 1, 6, 6, 12 = 2 हासिल में आए 1, 3, 6, 4, 10, 4, 14 = 4 हासिल में 1, 2, 4, 4, 8, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आया। अब इसमें गुणा करना है 10.404 का। दो संख्या तक लेते हैं बस, चार दुनी 8, 4 × 12 = 2 हासिल में 1, 4 × 16 = 17 हासिल में 1, 4 × 8 = 9, 8 × 32 = 2 हासिल में 3, 4 × 0 = 3 की 3, 4 × 1 = 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 7, 9, 2, 3, 4। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 2, 3, 4। दो, 3, 4, 2, 8, 0, 1, 8,
दो, आठ, 7×7=14, 1×15=5, हासिल में एक, दो एक तीन, 7×10 11×12 की 2, हासिल में एक, 3×3=9, 9×9=18, 19×9 हासिल में एक, और 4×5=6=7×8×9=10=11 की 1, हासिल में ही एक, 3×4=5=6, 8×9=10=11=12 की 2, हासिल में एक, एक एक, 112.61 है ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, आया 1,12,616 है ना, ये आया। गुणा करने के बाद 1,12,616.24 रुपए, इतना रुपए उसको अंत में परिपक्वता तिथि के बाद, मतलब तय की हुई तिथि के बाद इतना रुपए हेमचरण को मिलेगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, ये भी सावधि जमा खाते पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।